लोगों के लिए बाती बनाकर तैयार कर ली है। मैं कभी भी रेडीमेड बाती नहीं लाती हूँ, घर पर ही बनाती हूँ। तो बस इनको मैंने तैयार कर लिया है, जितने दिए हैं उतनी मैंने बाती बना ली हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब जरूर बताइएगा मुझे। और आप लोगों को जो है पटाखों की आवाज़ भी काफ़ी आ रही होगी, क्योंकि आज दिवाली है सो सेलिब्रेशन तो होना ही है। और अभी नाइट का टाइम हो चुका है, अभी बज चुके हैं 8 और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। पहले हम लोग जा रहे हैं ससुराल, क्योंकि वहाँ पर पूजा होगी मेरे इन लॉस हाउस में। उसके बाद हम लोग वहाँ से रिटर्न आएंगे, फिर हम घर पर पूजा करेंगे। इसीलिए मैंने सर पर जो है पल्ला भी ले लिया है, बिकॉज मैं ससुराल जा रही हूँ, वहाँ पापा के सामने, तो मैं सर पर पल्ला रखती हूँ। और ये जो साड़ी है ना, न्यू है, तो ये काफ़ी जो है मुझे पिनअप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज ये काफ़ी मोटा है, इसका जो बॉर्डर है ना काफ़ी मोटा है। यहाँ पर जो है सर पर भी मैंने सेफ्टी पिन लगाई हुई है, तभी मैं इसको जो है सर पर रख पा रही हूँ, अदरवाइज ये खिसकता है। और काफ़ी मोटा है, आपको दिख ही रहा होगा, काफ़ी हैवी पल्ला है इसका। पल्ला लगाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने जैसा जो है फेस पर जो भी किया है थोड़ा बहुत ही कुछ किया। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, ना ही कोई मेकअप किया है, इसीलिए मैं कल से रेडी हुई हूँ, बिकॉज टाइम हो रहा है। मैंने साथ में पहनी है ये बैंगल्स, इसमें ब्लू कलर भी है ये बॉर्डर पर और ऑरेंज कलर, तो इसीलिए मैंने ये नेकलेस है ये मैंने पहना है, आपको दिखाई था। और इसकी इयरिंग नहीं पहनी है साथ में, बिकॉज काफ़ी हैवी लगनी थी, तो मैंने गोल्ड की पहन ली है। और बस अब मैं रेडी हूँ, हम लोग जा रहे हैं, टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद घर पर भी पूजा करनी है। चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ये जो है कुछ मैंने पूड़ियाँ बनाकर रख दी हैं पूजा के लिए, क्योंकि पूजा होगी तो उसी के लिए मैंने बस पूड़ी बनाई है और साथ में बनाई है ये यहाँ पर खीर। बस मैंने पूजा के लिए जो है खीर और पूड़ी बनाकर रख दी है, क्योंकि हम लोग आकर पूजा करेंगे, बाकी खाना तो वहीं पर बनेगा। कल मेरा पूरा दिन वहाँ पर निकल गया, तो आज मैं नहीं गई। आज मुझे जो है घर पर इसलिए नहीं गई, क्योंकि घर पर भी पूजा की तैयारी करनी थी, काफ़ी चीज़ें होती हैं, वैसे भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इसीलिए मेरी सासू माँ ने बोला था कि शाम को जो है पूजा के लिए ही आ जाना, क्यों परेशान होगी, फिर यहाँ आओगी, यहाँ से फिर घर पर जाओगी। तो इसीलिए अब बस हम लोग जा रहे हैं, और खाना वगैरह तो उन्होंने बना ही लिया होगा, तो बस यहाँ पर सिर्फ मैंने पूजा का सामान बनाया है। तो चलिए चलते हैं। मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। जब हम लोग आए थे उससे पहले ही इन्होंने सारी तैयारी कर ली थी, बस हमारा ही वेट हो रहा था कि हम लोग आ जाएं और पूजा स्टार्ट होगी। तो भैया यहाँ पर जो है दीपक जला रहे हैं, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं सेकंड नंबर के, वो दीपक वगैरह जला रहे हैं ताकि पूजा स्टार्ट हो और हम सब लोग मिलकर पूजा करेंगे। मेरे हस्बैंड जो है सबसे बड़े हैं, तो पहले मम्मी पापा पूजा करते हैं, उसके बाद ये पूजा करते हैं और साथ में मैं, फिर उसके बाद जो ब्रदर इन लॉ वगैरह हैं वो सभी लोग पूजा करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग पूजा कर लेते हैं, और अब जो है मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ। पूजा हो चुकी है और हम लोग अपने घर पर वापस आ चुके हैं। यहाँ पर भी हमने पूजा की सारी तैयारी कर ली है, हमने नहीं, मेरे हस्बैंड ने कर ली है, उनको सारा सामान मैंने दे दिया था, वही हमेशा पूजा का सारा सामान लगाते हैं, तैयारी करते हैं, बस मैं उनको सारा सामान जो है देती जाती हूँ। और दीपक वगैरह सब कुछ लगा लिए हैं, ये थाली तैयार कर ली है, हमने जो है सब कुछ रेडी कर लिया है। तो बस अब हम भी यहाँ पर दीपक जला लेंगे और उसके बाद पूजा शुरू करेंगे।
फ्रेंड्स यही था मेरा दिवाली ब्लॉग, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, जितना शूट किया है आपके साथ शेयर किया है, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।